हे व्हाट्स अप गाइज, इट्स बॉय अभियारण। तो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बड़े होंगे। तो आपको पता होगी वैलेंटाइंस वीक आने वाला है, जिसके ऊपर मैं पूरा एक सीरीज तैयार करने वाला हूँ। तो 3 कंटेंट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये चौथा कंटेंट है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर हमेशा डालते रहता हूँ। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं करें यार, प्लीज़ इंस्टा पर भी फॉलो करो, बिकॉज मैं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट इंस्टा पर ही देता हूँ। एंड गाइज, मैं जो भी बैकग्राउंड में यूज़ करता हूँ, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज, विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको ये वाला बैकग्राउंड ओपन करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। उसके बाद ऐड फोटो में जाना है एंड देन अपने मॉडल को चूज़ करना है। तो गाइज, मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है। तो जिनको नहीं पता कि मॉडल का बैकग्राउंड कैसे इरेज किया जाता है, ऊपर कार्ड बटन में आपको सजेस्ट हो रहा होगा वो वाला वीडियो, उस पर आप टैप करके देख के सीख सकते हो कि मॉडल का बैकग्राउंड कैसे इरेज किया जाता है। ओके, और उसके बाद अपने मॉडल को अच्छे से सेट कर देना है और आपको जाना है ऐड फोटो में एंड देन आपको कोई भी एक ब्लैक एरिया चूज़ कर लेना है। ओके, और इसे मॉडल और बैकग्राउंड के बीच में मूव डाउन कर देना है और इरेजर टूल पे टैप करना है, आपको इनबॉर्ड पे टैप करना है और रीस्टोर पे टैप करके आपको साइज एंड हार्डनेस सेट कर लेना है। और जैसे मैं यहाँ पे केयरफुली अपना शेडो क्रिएट कर रहा हूँ, वैसे ही आपको भी शेडो क्रिएट करना है केयरफुली। ओके, और यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। ये शेडो मतलब क्रिएट करने की बहुत ही मतलब ईजी ट्रिक है, आप इससे मतलब बहुत ही शेडो रियलिस्टिक बनता है। तो आप मेक श्योर कि एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना। ओके, वरना शैडो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको जो अच्छा लगे उससे भी ट्राई कर सकते हो। और फिर से मैं दोबारा से इसे करता हूँ। तो उस बार हम लोग मॉडल के नीचे किए थे, मॉडल और बैकग्राउंड के बीच में, लेकिन इस बार सिर्फ अपने मॉडल के ऊपर ही करना है, समझ रहे हो ना? तो अपने मॉडल के ऊपर कर लेता हूँ मैं एंड देन अब सेम प्रोसेस आपको अपने पैर का भी शैडो क्रिएट करना है। ओके, तो फिर से ऐड फोटो में जाना एंड देन कोई भी ब्लैक एरिया चूज़ करो और सेम प्रोसेस से आपको पैर का भी शैडो क्रिएट कर लेना। मैंने इसे फास्ट करा वरना बहुत ही लंबा हो जाता वीडियो, आधे घंटे का कैसे भी बन जाता, 30 मिनट का, इसी वजह से मैंने यहाँ पे फास्ट करा बहुत ही ज़्यादा। एंड गाइस, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहता हूँ अपने चैनल पे। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अब आपको जाना ऐड फोटो में एंड देन एक टेडी बियर का आपको PNG चूज़ करना है। ओके, और इस टेडी बियर को ऐड करना है। तो कज मैं वीडियो में बहुत कम ही यूज़ कर रहा हूँ टेडी बियर, वरना कॉपीराइट क्लेम आने का डर है। अभी भी मेरे को डर है यार कि इस टेडी बियर की वजह से कहीं कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। इसी वास्ते आप जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ अलग ही पोस्ट करा है टेडी बियर के ऊपर, जो कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर कुछ अलग है। तो जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से मेरे को डायरेक्टली पहुँच जाओगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे एंड देन फॉलो करो, बिकॉज मैं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट इंस्टा पे ही देता हूँ। सो मेक श्योर कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ओके, तो इसे मैं फटाफट सेट कर लेता हूँ एंड देन इसका भी शेडो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो केयरफुली आपको शेडो क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करा है। एंड गाइज, अगर आपको मेरे से फोटो एडिट करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड देन बात करके आप पूछ सकते हो कि मतलब फोटो एडिट करवाने के लिए आपको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, तब आपकी फ़ोटो एडिट हो पाएगी। ओके, सो मेक श्योर कि जरूर से चेकआउट कर लेना जिनको मतलब फ़ोटो एडिट करवाना है वही। एंड आपको यहाँ पर कोई सा भी नॉर्मल एक फॉन्ट रख लेना है, अगर आपके पास कस्टम फॉन्ट हो तो आप कस्टम फॉन्ट भी रख सकते हो। ओके, तो यार मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों ने सब्सक्राइब कर डाला लेकिन वीडियो कोई भी नहीं देखता है। तो यार सब्सक्राइब करके क्या फ़ायदा जब आप वीडियो नहीं देखते हो? तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा यार, रेगुलर वीडियो देखा करो, या अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मत किया करो, सिंपल सी बात है। ओके, एंड गाइस आपको ड्रॉट रूम में जाना है एंड देन अपने फोटो को सेव कर लेना। ओके, उसके बाद आपको लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन करना है और अपने फोटो को ऐड करना है लाइट रूम एप्लीकेशन में एंड देन यहाँ पर आपको कलर ग्रेडिंग करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको कलर एडजस्टमेंट में जाना है एंड देन इसका सेचुरेशन आपको डिक्रीज़ करना है और विवरेंस वगैरह इंक्रीज़ करके देख लेना आपको अच्छा दिख रहा है कि नहीं। और आपको नीचे जाना है, विग्नेट यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम करना है और आपको प्रीसेट पे टैप करना है, वो जो पॉपअप बटन है उस पर टैप करो, आप कलर क्रिएटिव BNW बहुत आएगा, तो आपको विग्नेटिंग पे टैप करना है एंड देन जो नीचे हैवी है यही वाला आपको इफेक्ट डाल देना अपने फ़ोटो में, तो बहुत ही बढ़िया लगता है ये वाला इफेक्ट, आप मेक श्योर कि जरूर से ये ट्राई करना। ओके, तो आपको बिफ़ोर एंड देन आफ्टर करके दिखाता हूँ मैं, बिफ़ोर एंड देन आफ्टर देख सकते हो आप, काफ़ी सही लग रहा है हमारा फ़ोटो।
उसके बाद आपको शार्पनिंग वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना और मासिंग का उपयोग कर। तो मासिंग के लिए आपको एक फिंगर से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे और एक फिंगर से 100 पॉइंट पे रखोगे तब ये काम करेगा। और नॉइज़ रिडक्शन वगैरह आपको इंक्रीज़ कर लेना, कॉलर नॉइज़ रिडक्शन भी इंक्रीज़ कर लेना। और यहाँ पे जितने भी काम रह गया मैं उसे कंप्लीट कर लेता हूँ एंड देन आपको भी कंप्लीट कर लेना ओके। और आपको कलर एडजस्टमेंट में जाना फिर से एंड देन नेक्स्ट टूल पे टैप करके अपने फेस का ल्यूमिनेंस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना ताकि थोड़ा सा फेस हमारा ब्राइट हो जाए ओके। और आपको जाना सेलेक्टिव टूल में एंड आपको एक रेक्टेंगल ग्रेडियंट चूज़ करना है एंड देन नीचे से इफेक्ट देना, मतलब नीचे की तरफ हल्का सा इफेक्ट देना आपको एंड देन लाइट पे टैप करके आपको एक्सपोजर डिक्रीज़ कर देना। तो ये बहुत ही रियलिस्टिक लुक आएगा अपने फ़ोटो में। और सिंपली आपको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ करके डन करना है और अपने फ़ोटो को सेव कर लेना है और बिफोर एंड देन आफ्टर आप देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बी हैप्पी एंड मेक एवरीवन हैप्पी। आई होप आई ब्रॉट योर स्माइल। Hold me close to